मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको एक मौका देंगे, दो मौका देंगे, लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। जनता ने बहुत भरोसा किया, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकते। बेईमानी मत करना, और कुछ भी कर लेना, बेईमानी मत करना और जनता के साथ बदतमीजी मत करना। अभी मान साहब ने भी इसका जिक्र किया, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे हमारे कई एमएलए साथी विधायक लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं इधर उधर। बहुत अच्छी बात है, मुझे बेहद खुशी है। आप लोग अस्पताल में जा रहे हो, लोकल स्कूल में जा रहे हो, लोकल तहसीलदार के दफ्तर में जा रहे हो, जाओ, खूब जाओ, बहुत अच्छी बात है, यही करना है अपने को। एक ही चीज का ध्यान रखो, बदतमीजी मत करो। मैंने देखा एक बंदा किसी थानेदार को कह रहा है तेनू उठा टांग देंगा, ये भाषा हमें शोभा नहीं देती। ये कहने की क्या जरूरत है? अब तो तुम विधायक बन गए, अब तो मुख्यमंत्री तुम्हारा है, अब तो मंत्री तुम्हारे हैं, तुम चाहो तो दो मिनट में उनको पुट्ठा टांग सकते हो। जिस दिन टांगने की, अब तो तुम्हारे पास कलम की ताकत है, कलम की ताकत से कुछ भी कर सकते हो, कहने की क्या जरूरत है? अपने मुंह से हमें सबकी इज्जत करनी है, सबकी इज्जत करनी है, विरोधियों की भी इज्जत करनी है, विपक्षियों की भी इज्जत करनी है, सारे कर्मचारियों की इज्जत करनी है। और ये कर्मचारी दोषी नहीं है, कोई डॉक्टर दोषी नहीं है सरकारी अस्पताल का, सरकारी स्कूल का कोई टीचर दोषी नहीं है। अभी तक सिस्टम ही ऐसा था, सारा सिस्टम खराब था। दिल्ली का उदाहरण देता हूं, दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उसके पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। यहां पे कहते थे कि सरकारी टीचर तो आलसी होते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, टीचर आती हैं और पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं, खूब कहते थे। हमने आने के बाद इन सारे टीचरों को इज्जत दी, सारे डॉक्टरों को इज्जत दी, सरकारी स्कूल के अस्पतालों के डॉक्टरों को, टीचरों को इज्जत दी, और आज इन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, सिस्टम बदल गया। हमें पंजाब में इन्हीं के साथ मिलके, सरकारी स्कूल के टीचरों के साथ मिलके, पंजाब पुलिस के साथ मिलके, डॉक्टरों के साथ मिलके, तहसीलदार के साथ मिलके, सबके साथ मिलके सिस्टम बदलना है। आप देख रहे हो ना, इतनी सारी सोशल मीडिया पे आ रही है कि सिस्टम ऑलरेडी बदलना चालू हो गया, तहसीलदार ने ऑलरेडी सिस्टम बदल दिया, पैसे लेना बंद कर दिया, इधर उधर सबने पैसे लेने, सिस्टम बदलना है अपने को। सबको जाके, कोई भी सबको जाके हाथ जोड़ के बात कि भाई साहब जमाना बदल गया, अब आप भी बदल जाओ। बस अगर कोई गलत काम कर रहा है, आपके कहने के बाद भी गलत काम कर रहा है, मुख्यमंत्री को जाके बोलो, जो एक्शन लेना होगा लेंगे, अपने मुंह से कुछ नहीं गलत शब्द बोलने, वो बहुत जरूरी है। सबको साथ लेके चलना है। इस बार अपने को इतना प्यार मिला है पंजाब की जनता से, मेरे को पता चला कई दूसरी पार्टियों के नेता, उनके घर में उनकी बीवियों ने और उनके बच्चों ने हमको वोट पाई है। सोच सकते हो, हमें 5 साल के अंदर लोगों का इतना दिल जीतना है, 3 करोड़ पंजाबियों का दिल जीतना है कि अगली बार इनको एक भी वोट नहीं पड़नी चाहिए। अभी तो इनके बच्चों ने और बीवियों ने डाली, अगली बार इनके वोट भी हम ही पड़ेगी। अपने को ऐसा माहौल तैयार करना है। मैं अंत में सभी पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं ये इनकलाब लाने के लिए, सभी हमारे वॉलंटियर्स को, बहुत मेहनत की हमारे वॉलंटियर्स ने, रात दिन एक कर दिया बिना किसी ख्वाहिश के, निस्वार्थ भाव से पंजाब के लिए, उन सभी वॉलंटियर्स को मैं सलाम करता हूं। मैं मान साहब को और सभी विधायकों को, जो जो जीते हैं उन सबको, विधायकों को मैं बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए। मान साहब ने इतना शानदार